गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई स्मार्ट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल, दिस इज मंजीत। सो आज के एपिसोड में बात करने वाले हैं वन ऑफ द फेमस एंड फैमिली डॉग ब्रीड के बारे में, जो है अमेरिकन बुली। बट इसके बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो आने वाली है, जिसमें आप लोगों को बहुत सारे डॉग्स देखने को मिलेंगे और पहले से सभी का प्राइस काफी कम हो चुका है। तो आज के उस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों के पास आपके फेवरेट डॉग्स होंगे। बिकॉज डॉग्स का ओवर प्राइस होने की वजह से बहुत से लोग उन्हें परचेज नहीं कर पाते, तो उस वीडियो के अलावा आज की वीडियो में भी आप लोगों को कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। ये अमेरिकन बुली पपीज आप लोगों को मेल और फीमेल दोनों ही मिल जाएंगे और प्राइस बहुत ही जेन्युइन है। और फ्रेंड्स, वीडियो की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप लोग चाहे मेल पपी को परचेज करो या फिर फीमेल को, प्राइस आप लोगों को दोनों का सेम देखने को मिलेगा। वैसे एक बार मैं आप लोगों को इनके पेरेंट्स से भी मिलवा देता हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये जो आप लोग अभी देख रहे हैं, ये इन पपीज की मदर है, जो कि बहुत ही शानदार क्वालिटी में है। और ये है पपीज के फादर, जो कि डायरेक्ट इम्पोर्ट है और ये भी सुपर्ब क्वालिटी में है। तो आई एम श्योर दोनों ही क्वालिटी आप लोगों को पसंद आई होगी। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है जो ओनर ने मुझे दी है। तो प्लीज इन पपीज को परचेज करने से पहले इनके पेरेंट्स के बारे में खुद से जरूर कंफर्म कर लें। और मैटिंग की फोटो वीडियोस मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज उस बारे में भी जरूर डिस्कस करें। बाकी आप लोगों को बता दूं कि ये जो अमेरिकन बुली पपीज हैं, ये लो पॉकेट साइज में हैं, जो कि माइक्रो से थोड़े बड़े होते हैं। बाकी गाइस, जो माइक्रो लो पॉकेट साइज या पॉकेट साइज के पपीज होते हैं, उन्हें आप लोग सिटीज के छोटे अपार्टमेंट्स में भी आसानी से रख सकते हैं, बिकॉज अमेरिकन बुली अपार्टमेंट एंड चाइल्ड फ्रेंडली डॉग्स होते हैं। वैसे फ्रेंड्स, अगर पपीज की एज के बारे में बात करें तो आज ये 29 डेज के हो चुके हैं और इनकी जो लोकेशन है वो है दिल्ली NCR से। बाकी डिलीवरी के बारे में मुझे कंफर्म नहीं है कि ओनर प्रोवाइड करा पाएंगे या फिर नहीं, बट अगर आप लोग एक्स्ट्रा चार्ज से बचना चाहते हैं तो आप लोगों को डायरेक्टली ओनर के पास विजिट करके इन पपीज को परचेज करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट जाकर आप लोगों को बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो क्लियर करनी होती हैं, तो ये चीज आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहती है। तो गाइस, इन सभी चीजों के साथ साथ बात कर लेते हैं हमारी कल की वीडियो के टॉप 3 कमेंट्स के बारे में, जिसमें से फर्स्ट है हैरी सेजवाली, सेकंड है कुलदीप सिंह एंड थर्ड है सोहित कटारिया डॉग कर्नल। तो फ्रेंड्स, वैसे वीडियो में तो आप लोगों ने इन पपीज की क्वालिटी देख ही ली है। अगर आप लोग इन पपीज की क्वालिटी को लाइव भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग डॉग ओनर को वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, नंबर मैंने उनका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, फाइनली बात कर लेते हैं पपीज के प्राइस के बारे में। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, चाहे आप लोग मेल को परचेज करो या फिर फीमेल को, प्राइस दोनों का सेम है। तो ओनर जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो किया 14,000 रुपीज, यानी 14,000 रुपए। प्राइस काफी जेन्युइन है, आई एम श्योर प्राइस आप लोगों को पसंद आया होगा। बाकी आप लोगों के ओपिनियन क्या है, क्वालिटी के हिसाब से इनका प्राइस आप लोगों को सही लगा या फिर नहीं, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताएं। तो जल्दी मिलता हूँ आप लोगों से एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय।